प्रेरित होकर राष्ट्रीय मानवाधिकार नागरिक विकल्प संगठन की स्थापना की है। संगठन का मुख्य उद्देश्य था जहां पर किसी के पास कोई पुरावा ना हो, आईडी ना हो, कोई सुनवाई ना होता हो, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं पर उसके पास कोई आधार नहीं बनता है तो संगठन का कार्य है कि उसे न्याय दिलाना। यहाँ की जनता के बारे में पिछले 2011 में मैं आया था, यहाँ पे देखा ये लोग इसी जमीन के नीचे से खारा पानी निकाल के नहाना धोना, कपड़ा पीने के लिए 3-3 किलोमीटर दूर जाना या टैंकर के पानी खरीद के पीना, इन सब की त्रासदी देखकर मेरे दिल में आया कि इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। हमने 2011 में हमारे पदाधिकारियों द्वारा सज्जाद हुसैन अंसारी, मिचर संतोष पारिक छोटू, पत्रकार के किस्मत अली एंड रहमत अली, आशीष दुबे, समस्त तकरीबन 200 पदाधिकारी हमारे इस इलाके में हैं, उन सभी लोगों के प्रेरणा पर जनसहयोग के द्वारा हमने मानवाधिकार आयोग में केस फाइल की कि हमारे देश में फंडामेंटल राइट के तहत मौलिक अधिकार है, जीने का अधिकार है, खाने का अधिकार है, पीने का अधिकार है, हमको वो नागरिक सुविधा देनी चाहिए। लीगल अनलीगल यहाँ के जनप्रतिनिधि या अधिकारी कहते हैं तो गोराई खाड़ी से लेकर बीमार तक लिंक रोड के इस तरफ सभी मैंग्रोव हैं, सबको परमिशन मिला हुआ, सब बिल्डिंगें बनी हुई हैं। इसी खाड़ी में सर्वे नंबर 532 जिस पर आप हम लोग यहाँ खड़े हैं, जिस इलाके में 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक बिजली पानी की सुविधा है, 5 नंबर से 14 नंबर तक क्यों नहीं है, इसकी हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर दिया, वहाँ से लेटर आया, उस लेटर के बाद चीफ सेक्रेटरी के यहाँ से रिपोर्ट मांगी गई डीएमसी से। डीएमसी ने पहले तो कहा ये नॉन डेवलप जोन है, एनडीजे है, बाद में उन्होंने हटा दिया कि नहीं, यहाँ 22,000 वोटर हैं इसलिए डेवलप जोन नहीं, अब ये डेवलप जोन रहेगा। दहिसर विधानसभा में इसको नए गांव विधान क्या नाम है कि उसको नगर सेवक क्षेत्र में रखा जाएगा, इलेक्शन यहाँ होता है, वोटर ये वोट फाइल किया दिल्ली में, दिल्ली से ट्रांसफर हुई महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के न्यायालय में हमने केस की तो उन्होंने महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग कोर्ट नंबर 2 इसम सहित जज साहब के यहाँ ट्रांसफर कर दी, जिसकी हेयरिंग हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर एंड असिस्टेंट कमिश्नर एंड म्यूनसिपल कमिश्नर को नोटिस आई, दोनों पक्ष उनके पक्ष के वकीलों ने अपने पक्ष रखे गए, हमने भी अपने पक्ष रखे, हेयरिंग चार सप्ताह बोले तो यहाँ की भाषा में 4 महीने 4 तारीखों में माननीय विद्वान जज ने सुना कि ठीक है ये लोग अनलीगल हैं या लीगल हैं, जब वोट देने का अधिकार रखते हैं तो इनको पीनी पीने का और बिजली जलाने का भी अधिकार है, 1 से 4 नंबर तक अगर बिजली पानी आपने दिया है तो बाकी को भी 3 सप्ताह में पानी और बिजली दीजिए। आया है और कहाँ पे आप लोगों ने अपील की थी? देखिए ह्यूमन राइट ने जो आदेश दिया है, ह्यूमन राइट ने बीएमसी को डायरेक्शन दिया है कि बीएमसी में ये जो अथॉरिटी ने मूव किया था कोर्ट में वो 3 हफ्ते के अंदर वहाँ पे एप्लीकेशन करे, उसके बाद एज पर ला जो होता है वो बीएमसी अपना प्रोसीजर आगे करेगी। तो अभी आदेश क्या आया है, पानी के लिए आया है या लाइट के लिए आया है, किस प्रकार की सुविधाओं? नहीं, आदेश जो आदेश अभी पानी के लिए है, लेकिन आगे लाइट के लिए भी लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके लिए जो प्रोसीजर है वो जो ह्यूमन राइट है, जो अपना आयोग है, वो प्रोसीजर फॉलो करेगा। उसको बीएमसी ही रोकती है ना पानी को, लाइट को? नहीं, बीएमसी रोकती है। आपने जो मामला वहाँ किया था, लाइट पानी मतलब पूरी सुविधाओं, मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए, कौन सी सुविधा की उन्होंने आदेश दिया? उन्होंने अभी फिलहाल पानी के लिए डायरेक्शन दिया है, बीएमसी को डायरेक्शन दिया है कि 3 हफ्ते के अंदर ये अथॉरिटी उनको एप्लीकेशन करेगी और वो जो है उनको जो प्राइमरी फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करेगी। अगला कदम आपका क्या होगा, आप क्या मांग करेंगे प्रशासन से और शासन से? नहीं, फर्स्ट वी हैव टू मेक द एप्लीकेशन बिफोर एप्रोप्रिएट अथॉरिटी फॉर सीकिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ द कम्युनिटी।